फ्लाई हाई एकेडमी। आज हम देखेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट में जो फर्स्ट टेक्निक है दैट इज फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप ने टेलर ने ये बताया था कि हमें प्लानिंग फंक्शन और एग्जीक्यूशन फंक्शन दोनों को सेपरेट रखना चाहिए। टेलर का मानना था कि हर एक को अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें उनको वर्क देना चाहिए। ये डिवीजन ऑफ लेबर का एक एक्सटेंशन वर्जन है। इसमें टेलर ने फैक्ट्री मैनेजर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट इज प्लानिंग इंचार्ज, सेकंड एंड अदर इज प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में चार लोग आते हैं, दैट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट एंड डिसिप्लिनेरियन। एंड प्रोडक्शन इंचार्ज में भी चार लोग आते हैं, दैट इज गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर एंड स्पीड बॉस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो होता है वो इंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड रूट क्लर्क, रूट से आप समझते हैं कि रूट मतलब रास्ता, तो प्रोडक्शन प्रोसेस की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, मतलब आप अननेसेसरी जो लोग हैं इधर उधर होते हैं उनको इलिमिनेट कर दीजिए। देन होता है टाइम एंड कॉस्ट। टाइम एंड कॉस्ट में उनको कॉस्ट शीट बनानी रहती है। एंड डिसिप्लिनियर, जो डिसिप्लिनियर रहता है वो डिसिप्लिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिसिप्लिन इंक्लूड्स लाइक एम्प्लॉयज टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, उनका ब्रेक टाइम जो है वो इंक्रीज तो नहीं हो रहा। देन होता है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज में फर्स्ट है हमारा गैंग बॉस। गैंग बॉस जो होता है वो मशीन्स एंड टूल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन होता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस जो होता है वो मशीन्स टूल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन इंस्पेक्टर, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ वर्क। देन लास्ट इज स्पीड बॉस। स्पीड बॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क। हमारी सेकेंड टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमें हर एक चीज के लिए स्टैंडर्ड सेट करने रहते हैं। क्या करना रहता है? स्टैंडर्ड सेट करने रहते हैं हर एक एक्टिविटी के लिए। इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, चाहे वो प्रोसेस हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे टाइम हो, चाहे प्रोडक्ट हो, मशीनरी, मेथड्स और वर्किंग कंडीशन। दीज स्टैंडर्ड आर द बेंचमार्क। ये जो स्टैंडर्ड होते हैं वो एक बेंचमार्क होते हैं, मतलब इससे कम चीज प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। विच मस्ट बी अडहर्ड टू ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन होता है तब हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। देन इसी में एक और चीज है, दैट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। टेलर का मानना था कि हमें अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट को कम कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसके पास 5 to 6 प्रोडक्ट्स वेरियंट्स हैं, तो उसके 2 प्रोडक्ट्स वेरियंट्स तो इतने अच्छे हैं कि उनसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन बाकी के जो 4 प्रोडक्ट्स हैं उनसे बिल्कुल रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। तो टेलर का मानना था कि हमें उन 2 प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और जो 4 प्रोडक्ट्स हैं उनको क्लोज कर देना चाहिए। इट रिजल्ट इन सेविंग कॉस्ट। इससे क्या होगा, जो हमारी कॉस्ट ऑफ लेबर है वो कम हो जाएगी। इट इम्प्लाइज रिड्यूस इन्वेंट्रीज। कहीं ना कहीं हमारी इन्वेंट्रीज रिड्यूस हो जाएंगी, दैट इज, और उसके बाद हम लोग इक्विपमेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और हमारा कहीं ना कहीं टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा। देन थर्ड टेक्निक है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में टेलर ने ये सजेस्ट किया था कि हमें बेस्ट वे फाइंड करना है जॉब का, मतलब कि आप जॉब को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ डूइंग जॉब। एक जॉब को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देयर आर सेवरल पैरामीटर्स। और इसी के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि हमें कैसे अच्छे से कोई भी जॉब को परफॉर्म करना है। ये प्रोसेस स्टार्ट होती है प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजिशन एक्सेट्रा, विच आर अंडरटेकन वाइल डूइंग अ टिपिकल जॉब। इनका कहना, टेलर ने ये सजेस्ट किया था कि जब भी हम कोई टिपिकल जॉब करते हैं तो उसका मोशन होना चाहिए। मोशन मीन्स कि एक मूवमेंट होना चाहिए कि कब लिफ्टिंग होनी है, कब ऑब्जेक्ट्स को पुट करना है, कब पोजिशन चेंज करनी है। अननेसेसरी मूवमेंट्स आर सॉट टू बी एलिमिनेटेड। और जितने भी अननेसेसरी मूवमेंट्स होते हैं इधर उधर, दैट इज शुड बी एलिमिनेटेड, मतलब उसको हमें एलिमिनेट कर देना चाहिए सो दैट इट टेक लेस टाइम, ताकि जितनी भी प्रोसेस है उसमें कम से कम टाइम लगे और हमारी जॉब एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाए। इसके बाद की जो टेक्निक है दैट इज टाइम स्टडी। इट डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। टेलर का ये मानना
बताना था कि हर एक जॉब का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है परफॉर्म करने के लिए. टाइम मेजरिंग डिवाइस आर यूज्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ टास्क. टेलर ने ये भी सजेस्ट किया था कि जब आप कोई जॉब परफॉर्म कर रहे हैं या कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे टाइम मेजरिंग डिवाइस का यूज किया जाए. फॉर एग्जाम्पल स्टॉप वॉच का यूज किया जाए. द स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर द होल टास्क. एक टास्क के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होना चाहिए कि इतने टाइम में आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए. इसके बाद है फैटिक स्टडी. फैटिक स्टडी में टेलर का ये मानना था कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो फिजिकली और मेंटली एक टाइम के बाद टायर्ड फील करने लगते हैं. A person is bound to feel tired physically and mentally if she does not rest while working. अगर आप लगातार काम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप mentally and physically दोनों तरीके से tired हो जाएंगे. The rest interval will help one to regain stamina. इसीलिए जब भी आप work कर रहे रहते हैं तो उस बीच में आपको कुछ break time मिलना चाहिए. हमने देखा है schools में भी जब 8 periods होते हैं तो 4 periods के बाद break time मिलता है. उसका मिलने का reason यही रहता है कि हम वापस से stamina को रीगेन करें एंड पूरी एफिशिएंटली फिर से वर्क को परफॉर्म करें. इससे कहीं ना कहीं कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज्ड हो जाती है. इसके बाद की जो हमारी टेक्निक है दैट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में टेलर का मानना था कि हर एक का जो वेज सिस्टम है वो डिफरेंट होना चाहिए. डिफरेंट इन द सेंस कि अगर कोई टॉप लेवल पे वर्क कर रहा है तो उसका वेज सिस्टम डिफरेंट होगा और अगर कोई लोअर लेवल पे वर्क कर रहा है तो उसका वेज सिस्टम डिफरेंट होगा. एक टॉप लेवल के एम्प्लॉयज को और एक लोअर लेवल के एम्प्लॉयज की दोनों सैलरी एक जैसी नहीं हो सकती. ही वॉन्टेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन. उन्होंने डिफरेंशिएट भी किया था एफिशियंट और इनएफिशियंट वर्कर में. एफिशियंट मतलब जो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, इनएफिशियंट मतलब जो धीरे धीरे परफॉर्म कर रहे हैं. द स्टैंडर्ड टाइम एंड अदर पैरामीटर शुड बी डिटरमाइन. जैसे कि हमने पिछली टेक्निक में पढ़ा था कि कुछ स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड हो जाना चाहिए, तो स्टैंडर्ड टाइम और बाकी के पैरामीटर्स को देखते हुए हमें वर्कर्स को क्लासीफाई कर देना चाहिए एफिशियंट और इनएफिशियंट में. जो एफिशियंट वर्कर होंगे उनका वेज सिस्टम ज्यादा होना चाहिए, इनएफिशिएंट का कम होना चाहिए. द वर्कर कैन बी क्लासिफाइड एज एफिशिएंट और इनएफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टैंडर्ड्स. के बाद की जो टेक्निक है दैट इज मेंटल रिवॉल्यूशन. इट इन्वॉल्व चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट. इसका मतलब ये है कि एटीट्यूड वर्कर्स को मैनेजमेंट के प्रति अपना एटीट्यूड चेंज कर देना चाहिए और मैनेजमेंट को वर्कर्स के प्रति. एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, टॉप लेवल के एम्प्लॉयज को ऐसा लगता है कि उसके वर्कर्स सही से काम नहीं कर रहे हैं और वर्कर्स को ऐसा लगता है कि टॉप लेवल तो उन्हें सपोर्ट ही नहीं करती है. बोथ शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अदर. और एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए दोनों का कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है. तो दोनों को ये रियलाइज करना चाहिए कि वह एक दूसरे को कोऑपरेट करके चले. बोथ शुड एम टू इंक्रीज द साइज ऑफ सरप्लस. दोनों का एम यही होना चाहिए कि कहीं ना कहीं सरप्लस इंक्रीज हो. मैनेजर शुड शेयर देयर गेन विथ वर्कर. मैनेजर जो भी गेन कर रहा है उसको अपने वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए. वाइल वर्कर शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज प्रॉफिट. और वर्कर्स को ऐसे परफॉर्म करना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो कंपनी का प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाए. दिस एटीट्यूड विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू बोथ. इससे दोनों का फायदा होगा. कंपनी भी अपने गोल्स अचीव कर लेगी और वर्कर्स भी अपने गोल्स अचीव कर लेंगे. अभी तक हमने टेलर के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम लोग हेनरी फ्योल के बारे में डिस्कस करेंगे. हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे. 14 प्रिंसिपल्स को हम वन बाय वन देखते जाते हैं कि उन्होंने क्या बोला था हर एक प्रिंसिपल में. फर्स्ट इज डिविजन ऑफ वर्क. डिविजन ऑफ वर्क में फ्योल का मानना था कि आपको वर्क को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए. मत इनका मानना था कि इंसान जो है वो हर एक चीज में अच्छा नहीं हो सकता, तो जो वर्कर जिसमें स्पेशलाइज्ड है, जिसमें एक्सपर्टाइज है, उसको वही जॉब देनी चाहिए. तो इसीलिए फ्योल ने क्या करा था, इसको वर्क को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, दैट इज मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल जॉब. दिस स्पेशलाइजेशन हेल्प टू इंक्रीज टू बिल्ड अप स्किल्स एंड इंक्रीज प्रोडक्शन. उनका कहना था कि अगर हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं स्मॉल स्मॉल टास्क में और जो जिस चीज में स्पेशलाइज्ड है उसको वही वर्क देते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि जो स्किल्स हैं, एक एम्प्लॉय की स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएंगी एंड कंपनी का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा.
सेकेंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ चलते हैं. मतलब अगर आप किसी पर्सन को अथॉरिटी दे रहे हैं तो आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए, क्योंकि अथॉरिटी बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई मतलब नहीं है. देखिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ चलती हैं. अथॉरिटी के बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई मतलब नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना अथॉरिटी का कोई मतलब नहीं है. अथॉरिटी मीन्स अ मैनेजर शुड हैव पावर टू गिव कमांड. अथॉरिटी का मतलब यही होता है कि मैनेजर के पास वह पावर होनी चाहिए कि वह कमांड दे सके, डायरेक्ट कर सके अपने एम्प्लॉयज को. और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कुछ खराबी हो रही है, अगर एम्प्लॉयज कोई गलती कर रहे हैं तो वह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सके. देन थर्ड इज डिसिप्लिन. इट इम्प्लाइज एम्प्लॉयज शुड ओबे ऑर्डर्स ऑफ मैनेजमेंट. इसका मतलब ये है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें मैनेजमेंट के ऑर्डर को मानना चाहिए. एवरी एम्प्लॉय फॉलो ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स. ऑर्गेनाइजेशनल हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें उन्हें फॉलो करना चाहिए. देन फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड सेज ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन सुपरवाइजर. फेओल का मानना था कि हर एक एम्प्लॉय सिर्फ एक ही जना उसको ऑर्डर देना चाहिए. अगर उसको तीन चार जने ऑर्डर देंगे तो एम्प्लॉय कन्फ्यूज हो जाएगा, उसे किसकी बात माननी है किसकी बात नहीं माननी. तो इन सब से क्या होगा, कहीं ना कहीं टाइम भी वेस्ट होगा और प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. इट एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कमांड, और इससे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगे. अगर यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे. फिफ्थ प्रिंसिपल जो फियोल ने दिया था, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. दैट मीन्स एम्प्लॉय शुड सरेंडर देयर पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द एंटरप्राइज. एम्प्लॉयज को जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं वह सरेंडर कर देना चाहिए. समटाइम द एम्प्लॉयज ड्यू टू देयर इग्नोरेंस, सेल्फिशनेस, लेजीनेस, केयरलेसनेस एंड इमोशनल प्लेजर ओवरलुक द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बहुत बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय क्या करते हैं कि अपने काम को इग्नोर करने लगते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, तो वे ऑर्गेनाइजेशन को अपना 100% नहीं दे पाते हैं. तो उसका कहने का मतलब यही है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको अपना पर्सनल इंटरेस्ट एंटरप्राइज के लिए सरेंडर कर देना चाहिए. देन सिक्स्थ इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज. रेम्यूनरेशन इंक्लूड्स द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन. रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब ये है कि जो उनका कंपनसेशन है, जो उनकी सैलरी है, वो फेयर होनी चाहिए. फेयर होनी चाहिए मतलब कि एम्प्लॉय जितना वर्क कर रहा है उसे उतनी सैलरी देनी चाहिए. और सेकेंड चीज की ऑर्गेनाइजेशन की उतनी क्षमता भी होनी चाहिए पे करने की. ऐसा नहीं है कि आपका रिवेन्यू इतना आ ही नहीं रहा जितनी आपकी सैलरी हो जा रही है. द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस. एम्प्लॉयज को फेयर वेजेस देने चाहिए विच शुड गिव देम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिससे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो रीजनेबल हो. देन हमारा सेवेंथ टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये रहता है कि हमने अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी सिर्फ एक ही पर्सन को दी है. एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि हमने वो अथॉरिटी डिस्पर्स कर दी है. डिस्पर्स कर दी है मतलब कि हमने उसको फैला दिया है. मतलब प्रोडक्शन मैनेजर अपने डिसीजन ले सकता है, प्लानिंग मैनेजर अपने डिसीजन ले सकता है. दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन मींस कि डिस्पर्स कर दिया हमने जो अथॉरिटी है उसको हमने डिस्पर्स कर दिया है. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और दोनों का बैलेंस्ड होना चाहिए. स्केलर चेंज, इट मीन्स अ लाइन ऑफ अथॉरिटी. स्केलर चेंज में ये होता है कि हर एक एम्प्लॉय, वेयर एवरी एम्प्लॉय रिपोर्ट टू हिज सुपरवाइजर. मत फॉर एग्जाम्पल इसमें फोर पर्सन से ए बी सी डी, तो डी जो होगा वो सी को रिपोर्ट करेगा, सी जो होगा वो बी को रिपोर्ट करेगा, एंड जो बी होगा वो ए को रिपोर्ट करेगा. दैट मीन्स कि हमें हायरार्की फॉलो करनी है. हमें हमेशा एक चेन को मेंटेन करके रखना चाहिए, दैट इज टॉप टू बॉटम. डायरेक्टली जो डी है वो डायरेक्टली ए से बात नहीं कर सकता अगर इमरजेंसी ना हो तो. इमरजेंसी में डायरेक्ट डी जो है वो डायरेक्टली ए से बात कर सकता है, बट विदाउट इमरजेंसी डी डायरेक्टली ए से बात नहीं कर सकता. डी को पहले सी को रिपोर्ट करना पड़ेगा, देन सी बी को रिपोर्ट करेगा, देन बी ए को रिपोर्ट करेगा. देन नाइन्थ इज ऑर्डर. दैट मीन्स फ्योल सेड दैट देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन. फ्योल का कहना था कि हर एक चीज की और हर एक इंसान की एक प्लेस होती है. एट द सेम टाइम एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन देयर ओन प्लेस. और उस टाइम पे
वह अपनी प्लेस पे हो. दिस मीन्स राइट मैन इन द राइट प्लेस. इसका मतलब ये है कि राइट मैन राइट प्लेस पे हो. फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर है, उसकी एक प्रॉपर प्लेस है कि हाँ वो इस कैबिन में ही आपको मिलेगा. एम्प्लॉय को अगर मैनेजर से कुछ बात करनी है तो वो उसे कहाँ ढूंढेंगे. ऐसे ही जो इक्विपमेंट्स है उनकी प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए. प्रॉपर प्लेस मतलब आपने जहाँ से उठाया है आप वहीं रखिए. अगर आपने जहाँ से उठाया है और कहीं और रख दिया तो जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उनको वह ढूंढने के लिए परेशानी होगी. इसके बाद का जो पॉइंट है दैट इज इक्विटी. द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी सजेस्ट दैट सिमिलर ट्रीटमेंट इज अशोर्ड टू पीपल इन सिमिलर पोजीशन. इक्विटी का मतलब ये कहा है कि सिमिलर ट्रीटमेंट होना चाहिए सिमिलर पोजीशन वाले लोगों के साथ. सिमिलर ट्रीटमेंट होना चाहिए सिमिलर पोजीशन के साथ. इट इम्प्लॉयज दैट मैनेजर शुड बी फेयर एंड इम्पार्शियल. इसका मतलब ये है कि जो मैनेजर है वो फेयर और इम्पार्शियल होना चाहिए जब वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ डील कर रहा है. दे शुड नॉट फेवर समवन एंड नेग्लेक्ट अदर. उनका ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई उनका रिलेटिव है जो उनका सबऑर्डिनेट है तो वह उनको ज़्यादा प्रायोरिटी उनका फेवर कर दें और बाकी एम्प्लॉयज़ को नेग्लेक्ट कर दें. तो ये सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होनी चाहिए. इसीलिए फेयोल ने ये सजेस्ट किया था कि इक्विटी इज एसेंशियल टू क्रिएट एंड मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट. देन 11th इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल. स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब ये है कि अगर एक एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है. अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जो हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर है वह इंक्रीज हो जाएगा. अब आप बोलेंगे एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है. एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय जो है वो जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते जाएं. फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय आया, उसने 3-4 months में जॉब छोड़ दी, तो 3-4 months तो हमें उस एम्प्लॉय को सिखाने में लग जाते हैं. जब हम उस एम्प्लॉय को 3-4 months सिखाते हैं देन वो फिर वो छोड़ के चला जाता है तो कहीं ना कहीं कंपनी का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है जो वेस्ट हो जाता है. इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल होना ज़रूरी है. एम्प्लॉय टर्नओवर का मिनिमाइज होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करके चले. अकॉर्डिंग टू फेयोल पर्सोनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिग्रेस प्रोसीजर. फेयोल का मानना है कि जो पर्सनल को हम सिलेक्ट करेंगे, जो भी पर्सोनल को हम सिलेक्ट या अपॉइंट करेंगे उसकी एक प्रॉपर प्रोसीजर होनी चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एसबीआई का एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे पहले वो लोग प्रीलिम लेते हैं, देन मेंस लेते हैं, देन इंटरव्यू होता है, देन आप सिलेक्ट होते हैं. तो ये एक उनकी प्रोसीजर है. ऐसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी प्रोसीजर होती है. तो फेयोल का मानना है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो हैं वो एक प्रोसीजर को फॉलो करके फिर ही आने चाहिए. बट वंस सिलेक्टेड दे शुड बी कीप्ड एट देयर पोस्ट. लेकिन अगर वो एक बार सिलेक्ट हो जाए तो वह उसी पोस्ट पे रहने चाहिए. मतलब वह बहुत जल्दी छोड़ के नहीं जाने चाहिए क्योंकि अगर वह जल्दी छोड़ के चले गए तो कहीं ना कहीं कंपनी में स्टेबिलिटी, एक एम्प्लॉय की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा. Then 12th is initiative. Initiative refers to all personnel of organization must be encouraged to take initiative. It helps for growth of organization. Fiol का मानना था कि हर एक employee को खुद ही initiative लेने चाहिए जिससे कहीं ना कहीं organization की growth हो. Employee should be given fair opportunities to come up with new suggestions, ideas and take initiative. Employees खुद ही अपनी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो खुद ही न्यू सजेशन आइडियाज़ और के साथ आएँ और इनिशिएट करें. देन हमारा 13 प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में फेयोल का कहना ये था कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके लिए एक हेड ही होना चाहिए. मतलब एक प्लान के लिए एक ही हेड होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मार्केटिंग की अलग अलग चीज़ें होती हैं, लाइक उनको प्राइस पॉलिसिंग भी करनी रहती है, एडवर्टाइजिंग भी करनी रहती है, सेल्स प्रमोशन भी करना रहता है. तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही मैनेजर देखे और वही हेड करे अपने सबऑर्डिनेट्स को. देन 14 प्रिंसिपल है स्प्रेड द क्रॉप्स. स्प्रेड द क्रॉप्स एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है टीम स्प्रेड. तो फेयोल ने इस प्रिंसिपल में सजेस्ट किया था कि वर्कर्स और मैनेजमेंट को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव कर पाएँ. द रीज़न बिहाइंड दिस प्रिंसिपल इज दैट. इस प्रिंसिपल का रीज़न ये था टीम कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज बेटर देन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन. इस प्रिंसिपल
पायल के पीछे रीजन ये था कि जो टीम का कंट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से अच्छा होता है। फ्योल ने इसमें ये भी चीज़ कही थी कि जो मैनेजर है उसको आई को वी के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर्स और सबॉर्डिनेट ने मिलकर कोई ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं, तो मैनेजर को ये नहीं बोलना चाहिए कि ये सिर्फ मैंने किए हैं, उसका मानना होना चाहिए कि ये हम पूरी टीम ने किए हैं, ये हम लोगों ने किए हैं, उसका मानना ये होना चाहिए कि ये हम लोगों ने किए हैं। इससे क्या होगा, जो वर्कर्स होंगे उनके अंदर टीम स्पिरिट डेवलप होगी और वो आगे के ऑब्जेक्टिव्स के लिए अच्छे से परफॉर्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।